हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड इन योर स्टडीज आई एम योर आई टी टीचर मिसिज प्रीति मलिक वेलकम यू टू माई क्लास सो एज यू ऑल नो दैट वी हैव कम्पलीटेड एटीन सेशन फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट विच इज़ फंक्शनल इंग्लिश लास्ट सेशन विच वी हैव डिस्कस द एक्टिव लिसनिंग स्किल्स हमें लिसनिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आज हम करने जा रहे हैं हमारा सेशन नंबर नाइनटीन विच इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन

वो तीन सोर्सेज से होता हुआ आता है जैसे कि तीन तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं वर्ड्स के थ्रू जो हम शब्दों के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं वो ओनली सेवन परसेंट ही होता है जो हम बोल के कम्युनिकेशन करते हैं दैट इज़ ओनली सेवन परसेंट जो टोन है हमारी वॉइस के थ्रू टोन के थ्रू हम करते हैं जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जब हमारी टोन बहुत लाउड हो जाती है कुछ में बहुत स्लो हो जाती है कुछ में नॉर्मल हो जाती है तो so, वो होता है टोन के थ्रू जो कम्युनिकेशन करते हैं हम वो होता है थर्टी एट परसेंट एंड नेक्स्ट इज गेस्टर एंड बॉडी लैंग्वेज उसके थ्रू होता है फिफ्टी फाइव परसेंट ये तीन सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज बिहेवियर अदर देन स्पोकन और रिटर्न कम्युनिकेशन दैट क्रिएट्स और रिप्रेजेंट्स ए मीनिंग इन अदर वर्ड्स इट इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशन बॉडी मूवमेंट्स एंड गेस्चर्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है एक तरह से हमारा बिहेवियर ही होता है हमारा व्यवहार जो हम करते हैं बोलने के अलावा या फिर रिटर्न कम्युनिकेशन के अलावा जिससे क्या होता है जो एक मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है हमारा बिहेवियर वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन इंक्लूड रहते हैं हमारी बॉडी मूवमेंट्स हैं वो नॉर्मल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड रहती है और गेस्चर्स जो गेस्चर्स हम क्रिएट करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग के वर्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिना कोई शब्द बोले कम्युनिकेट करना बातचीत करना अब आप सोच लोगे कि बिना वर्ड्स के आप कैसे कम्युनिकेशन करते हो कर सकते हो वो होता है हमारी बॉडी मूवमेंट्स के थ्रू हमारे गेस्चर्स के थ्रू हम क्या क्या पोस्चर देते हैं पोस्चर्स के थ्रू वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ये बोलने के अलावा स्पीक speak, स्पीकिंग या स्पीच के अलावा सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे आपने ये सेंटेंस तो हमेशा सुना होगा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स जो हम करते हैं जो हमारे एक्शंस होते हैं वो हमारे शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं मान लो अगर आप एक्शंस दिखा रहे हो या कोई शब्द नहीं बोल रहे हो फिर भी तो कोई ना कोई मैसेज जा रहा होता है एक्शंस के थ्रू भी तो जो हम एक्शंस करते हैं वो हमारे बारे में शब्दों से ज़्यादा बताता है यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट इट इज़ नॉट ओनली ह्यूमन वो रिस्पॉन्ड टू दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इफ़ यू हैव ए पैट इस्पेशली अ डोग इट मे फॉलो डायरेक्शन एंड रिस्पॉन्ड टू हैंड एंड बॉडी मूवमेंट्स मोर देन योर वर्ड्स जैसे आप सरप्राइज हो रहे होगे कि ये इस बार बात के बारे में जान के कि केवल इंसान ही नहीं जो आ, पैट्स होते हैं पालतू तो जानवर होते हैं वो भी इस तरह के कम्युनिकेशन को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आपके घर पे पेट है जैसे कि मान लो डॉग है आपके घर पे तो आप उससे मान लो या तो बोल के उसको बोलो कि सिट उसे वो इतनी जल्दी नहीं समझेगा ऑन द अदर हैंड अगर आप हाथों से मूवमेंट करके उसे इशारा करोगे उसको वो और जल्दी समझ जाएगा वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस किस तरह के कौन कौन से तरह के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं उनके क्या क्या यूज़ेज हैं सबसे ज़्यादा एक तरीका है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जिसे यूनिवर्सल गेस्चर भी कहा जाता है जैसे अगर आप कोई गेस्चर दे रहा है कोई पोस्चर दे रहा है किसी भी पर्टिकुलर पोस्चर के अंदर कोई खड़ा है या किसी बॉडी मूवमेंट स्टार्ट है कोई भी बॉडी मूवमेंट चल रही है टोन है किसी की उसके थ्रू आप क्या समझते हो कितना आपको समझ आता है वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की दो टाइप होती हैं फर्स्ट वन इज़ बॉडी लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज़ गैस्चर्स सबसे पहले आता है बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज क्या होती है बॉडी लैंग्वेज इज़ बॉडी मूवमेंट दैट डिपेंड्स ऑन पर्सनस एटीट्यूड और फीलिंग्स बॉडी लैंग्वेज क्या होती है एक पर्सन की बॉडी मूवमेंट्स होती है वो डिपेंड करती है कि उस पर्सन का एटीट्यूड क्या है क्या है उसकी फीलिंग क्या है बॉडी लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड होता है कि कैसे लोग बात करते हैं हाउ दे स्टैंड और उनके फेशियल एक्सप्रेशन वो खड़े कैसे होते हैं उनकी फेशियल एक्सप्रेशन क्या है वो सारे बॉडी लैंग्वेज के अंदर आते हैं दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ये एक तरह का मीनिंग है जो हम बॉडी एटीट्यूड या मूवमेंट के थ्रू शो करते हैं एग्जाम्पल के लिए जब भी कोई मान लो वेन ए बॉय इज सैड ही मेड वोप हीज हैंड एंड वॉक स्लोली एग्ज़ाम्पल के लिए अगर कोई लड़का उदास है तो वो क्या करेगा अपने सिर को नीचे कर लेगा और वॉक स्लोली धीरे धीरे चलेगा वो और ऑन द अदर हैंड अगर एक लड़की है वो खुश है तो वो क्या करेगी या तो वो रन करेगी दौड़ेगी या फिर जंप करेगी या फिर स्टैंड अप करेगी स्ट्रेट खड़ी हो जाएगी और अपने हाथों को हवा में करेगी तो पीपल डोंट से एनी थिंग्स यू शो हाउ दे फील अबाउट थिंग तो लोगों को शो करने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ों के बारे में कैसा महसूस करते हैं कई बार वो अपनी बॉडी मूवमेंट के थ्रू भी शो कर देते हैं द कलर ऑफ पीपल स्किन मे इवन शो हाउ दे फील कई बार जो लोगों की स्किन का कलर होता है वो भी उनके बारे में बहुत कुछ बताता है कि उन्हें कैसा फ़ील हो रहा है एग्जाम्पल के लिए अगर एक लाइट कलर का पर्सन है कोई पर्सन है जिसकी स्किन का कलर लाइट है अगर वो बहुत ज़्यादा इम्बेस फील कर रहा है शर्मिंदा फील कर रहा है तो उसकी स्किन का कलर कैसा हो जाएगा रेडिश हो जाएगा रेड कलर हो जाएगा और अगर कोई पर्सन है वो वरीड है चिंता है तो क्या होगा उसका फेस येलो हो जाएगा अगर वो वरी कर रहा है किसी चीज़ के बारे में चिंतित है उसके बाद बॉडी लैंग्वेज है वो वॉलेंट्री वो भी हो सकती है जानबूझ के भी हो सकती है और इनवॉलेंट्री भी हो सकती है कई बार पर्सन को पता ही नहीं होता उसका बस नहीं चलता कुछ चीज़ों के बारे में तो बॉडी लैंग्वेज हम कर कह सकते हैं कि ऑन परपज भी हो सकती है कोई जानबूझ के भी कर सकता है बॉडी लैंग्वेज और किसी पर्सन कोई हेल्प नहीं कर सकता वो अपने आप से भी ऑटोमेटिकली कई बार हो जाती है एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ दैट ब्लाइंड चिल्ड्रन विल स्माइल वेन दे इवन दो दे हैव नेवर सीन ए स्माइल और इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है बॉडी लैंग्वेज के अंदर जो ब्लाइंड चिल्ड्रन uh, होते हैं जो देख नहीं सकते वो भी जब खुश होते हैं तो वो स्माइल करते हैं लेकिन उन्होंने तो स्माइल कैसी होती है कभी देखी ही नहीं होती तो ये क्या होता है कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं तो ये होता है बॉडी लैंग्वेज उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर गैस्चर्स गैस्चर्स के थ्रू हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं गैस्चर्स आर कम्युनिकेशन लाइक फेशियल एक्सप्रेशन हैंड सिग्नल्स आई गेजिंग एंड बॉडी पोस्चर्स गैश्चर्स के अंदर जो कम्युनिकेशन आते हैं उनके अंदर इंक्लूड होते हैं फेशियल एक्सप्रेशन हैंड सिग्नल आई गेजिंग और बॉडी पोस्चर जो हमारे होते हैं एग्जाम्पल के लिए आप इसमें स्माइल ले सकते हो जब हम किसी से हैंड शेक करते हैं या फिर जब हम किसी से मिलते हैं वेविंग करते हैं हाथ हिलाते हैं या फिर कुछ कहने के लिए फिंगर्स रेज करते हैं तो वो सारा किस में आ जाता है गेस्टर्स में आता है फॉर इंस्टेंस इफ़ यू सी ए फ्रेंड एट नोजी कार्नील यू माइट स्माइल एंड वेव एट योर फ्रेंड एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो आप कहीं पर गए हो, कार्निवल में गए हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है बहुत नोएसी है फिर भी अगर आपको वहाँ पर आपका फ्रेंड मिल जाता है तो आप क्या करोगे सबसे पहले उसकी तरफ देख के स्माइल करोगे और उसकी तरफ अपना हा हाथ वेव करोगे हाथ को हिलाओगे उसकी तरफ या फिर आप ओ, आ, फेरिस व्हील की तरफ इशारा करोगे कि आप अपने फ्रेंड से वहाँ मिलना चाहते हो फेरिस व्हील वो होता है जो बड़ा सा झूला होता है सर्कल की फॉर्म में यू कुड डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स विदाउट सेइंग ए वर्ड ये सारे हम काम करते बिना कोई शब्द बोले हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू गेस्टर्स के थ्रू हम ये सारी चीजें करते हैं दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें क्रिकेट का ले सकते हैं जहाँ पे एम्पायर है वो अलग अलग हैंड सिग्नल्स के थ्रू शो करता है कि जो बैट्समैन है वो आउट हुआ है या फोर लगा है या सिक्स रन हुए हैं तो वो किसके थ्रू दिखाता है हैंड मूवमेंट्स के थ्रू जो कैशर्स होते हैं उसके बाद दे आर थ्री मेन यूजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसकी तीन मेन यूजेस होते हैं जो मोस्टली पर्सन अप डेली अपनी लाइफ में डेली यूज़ करते हैं जैसे द फर्स्ट वन द फर्स्ट यूज़ फॉर ग्रीटिंग्स जब भी हम किसी से मिलते हैं उनको ग्रीट करते हैं तो वो फर्स्ट यूज़ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ग्रीटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हाथ वेव करना हैंड शेक करना हक करना या फिर सैल्यूट करना एग्ज़ाम्पल के लिए जब भी आप मॉर्निंग में अपने किसी फ्रेंड को देखते हो जब आप स्कूल जा रहे हो तो आप क्या करोगे उनकी तरफ वेविंग करोगे हाथ हिलाओगे इफ़ जो फॉर्मल ग्रीटिंग होता है वो हैंडशेक के साथ शुरू होता है जो अपने बॉस से आप करते हो अगर आप जॉब में हो और जो सैल्यूट होता है वो हम आर्म्ड फोर्सेस में करते हैं जब हम किसी पर्सन को देखते हैं जिनकी रैंक हमसे ज़्यादा है तो ये फॉर्म होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की फर्स्ट यूजेस ग्रीटिंग्स के थ्रू नेक्स्ट यूज़ होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का विच इज़ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन एग्जाम्पल के लिए जो वर्कर हैं वो भी अपनी जॉब पे अलग अलग सिग्नल के थ्रू है कम्युनिकेशन करते हैं जैसे वन इम्पोर्टेंट यूज इन इन इज इन कंस्ट्रक्शन वेन वर्कर सिग्नल्स टू ए क्रेन ऑपरेटर टू कीप एवरी वन सेफ इसका इम्पोर्टेंट यूज़ क्या, क्या, क्या कहाँ पे हो सकता है जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे कुछ निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पे वर्कर क्या करेगा क्रेन ऑपरेटर की तरफ सिग्नल करेगा उनको बताएगा कि वो हर एक इंसान को सेफ रखते हुए क्रेन चलाएँ दी सिग्नल्स ये जो सिग्नल्स होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि वो ऑपरेटर को बताता है कि उन्होंने उन्हें लेफ्ट मूव करना है राइट right मूव करना है या फिर रेज करना है क्रेन को या फिर हुक को लोअर करना है दूसरा इंपॉर्टेंट यूज क्या है स्पेसिफिक कम्युनिकेशन का साइन लैंग्वेज साइन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करना ये इस तरह का फॉर्म कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है मोस्टली हियरिंग पीपल के लिए जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होते हैं उनके लिए हम साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जैसे वो हैंड सिग्नल का यूज़ करते हैं या फिर लिप रीडिंग का यूज़ करते हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को बताने के लिए या फिर कम्युनिकेशन करने के लिए उसके बाद जो थर्ड यूज़ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वो है इन वॉल्यून्ट्री नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अब इन वॉल्यूनट्री नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है ये होती है हमारी मूवमेंट्स और एटीट्यूड जो हम शो करते हैं ये बताने के लिए कि कैसा फील कर रहे हैं हम मोस्टली मोस्टली टाइम्स क्या होता है लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कम्युनिकेट कर रहे हैं जब वो ये एक एक्शंस एक एक कर रहे हैं क्योंकि ये एक एक्शंस के बारे में उन्हें पता नहीं होता ऑटोमेटिकली होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ए स्लम्ड पोस्चर मे मीन दैट ए पर्सन इज सैड मान लो एक पर्सन है उसने अपना सिर झुकाया हुआ है वो डिप्रेशन में है तो उससे क्या होगा उसके इस पोस्चर से हमें पता चल जाएगा कि वो सैड है ए स्टर्न लुक मे शो दैट ए पर्सन इज़ इन ए सीरियस मूड अगर कोई आपको स्टर्न लुक दे रहा है तो उससे पता चल जाएगा कि उस पर्सन का जो मूड है वो बहुत सीरियस है वन पीपल रब देयर आइज इट कैन शो दे आर टायर्ड जब लोग अपनी आँखें हैं वो रब करते हैं वो दिखाता है कि वो बहुत थके हुए हैं ऑल ऑफ दिज एग्जाम्पल्स शो हाओ पीपल थी हाओ पीपल फील ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये बताते हैं कि लोग कैसे फील कर रहे हैं तो आप भी कई बार ऐसे पोशेस है ऐसे एक्शंस करते हो जिनके बारे में ऑटोमेटिकली जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं आपको पता ही नहीं होता उनको कहा जाता है इनवॉलेंट्री नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नोट में दिया गया है एक्सप्रेशन एंड गेस्टर्स आर नॉट द सेम वर्ड अराउंड द वर्ल्ड जो एक्सप्रेशन होते हैं जो हमारे गेस्टर होते हैं पूरे वर्ल्ड में उनका मीनिंग सेम नहीं होता एग्ज़ाम्पल के लिए एक गेस्टर लगा लो जैसे अप है जिसे हम पॉजिटिव गेस्टर कहते हैं इन यूनाइटेड स्टेट्स उसका मीनिंग क्या होता है आप किसी को विश कर रहे हो ऑल द बेस्ट बोल रहे हो बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हो लेकिन दूसरे कल्चर में उसका मीनिंग अलग होता है इन नाइजीरिया द थम्स अप गेस्चर इज़ ए रूड इंसल्ट जैसे इन अगर आप नाइजेरियम में चले जाओ वहाँ पर थमजम का मतलब होता है किसी की इंसल्ट करना इन ऑस्ट्रेलिया इट इज़ एन ओपसेंस इंसल्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसका मतलब होता है बहुत बड़ी इंसल्ट करना किसी की अनदर फनी एग्जाम्पल इज स्पाइनिंग योर फिंगर अराउंड योर ईयर दूसरा एग्जाम्पल है अपने कान के चारों तरफ उंगली करना दिस इज़ नोन एज द यू आर क्रेजी साइन इन अमेरिका एंड सम इन एंड इन सम अदर नेशंस इसका मतलब होता है कि आप क्रेजी हो अमेरिका में इसका मीनिंग ये होता है और अलग अलग नेशंस में इसका मीनिंग अलग होता है लेकिन अर्जेंटीना में इसका मतलब होता है कि आपको एक फ़ोन कॉल आ रही है मतलब यू हैव ए फ़ोन कॉल तो जितने भी हम एक्सप्रेशन देते हैं गेस्टर्स देते हैं हर एक कंट्री की वाइज कंट्री के अकॉर्डिंग या कल्चर के अकॉर्डिंग उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग होता है जरूरी नहीं है अप का मतलब यहाँ पे है किसी को पॉजिटिव वे में बोलना कहीं पे उसका मतलब इंसल्ट भी हो सकता है नेक्स्ट आता है अनदर अदर गेस्टर दैट कैन बी टेकन कम्प्लीटली डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन वेन वेयर यू लिव इज मूविंग द हेड दूसरा गेस्टर जो आप कह सकते हो जो कंप्लीटली अलग होता है जिसका मतलब होता है सिर हिलाना इन मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज पॉजिटिव और येस गेस्टर मोस्टली दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में या अलग अलग नेशंस में इसका मतलब जैसे अगर आप सिर हिलाते हो इसका मतलब होता है आप यस बोल रहे हो इन बुल्गेरिया एंड पार्ट्स ऑफ ग्रीस एंड मिडल ईस्ट इट मीन्स नो लेकिन बुल्गेरिया कंट्री है या ग्रीस का जो पार्ट है या मिडल ईस्ट वहाँ पे सिर हिलाने का मतलब होता है नो दूसरा एग्जाम्पल है इन वॉलन्ट्री कम्युनिकेशन का अपने हाथों को रब करना साथ में एंटीसिपेशन शो करने के लिए टैपिंग और डंपिंग करना फिंगर्स को ये शो करने के लिए आप impatient हो अपने नेल चबाना ये दिखाने के लिए कि आप नर्वस हो या फिर पुटिंग ए हैंड और फिंगर टू वन चिक इफ थिंकिंग डीपली या फिर अपना सिर या फिंगर को दूसरों के गा, आ, शोल्डर पे करना ताकि ये दिखाने के लिए कि आप डीपली सोच रहे हो उसके बाद आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड प्रोक्सीमिक्स हाउ वी यूज़ आवर पर्सनल स्पेस आई कॉन्टैक्ट और गेज फेशियल एक्सप्रेशन गेस्चर इस्पेशली यूज ऑफ हैंड्स एंड आर्म्स ड्रेस पोस्चर्स पैरा लैंग्वेज साउंड दैट वी मेक फॉर एग्जाम्पल उफ एक्सेट्रा केयरफुली स्टडी द हैंड आउट और नॉर्मल क्यूज गिविन इन दिस सेशन उसके अलावा नॉन ग्लोबल कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से एक्शन इंक्लूड होते हैं कि हम कैसे फील कर करते हैं हमारा पर्सनल स्पेस क्या है आई कॉन्टैक्ट क्या है कैसे हम गेजिंग करते हैं आई गेजिंग करते हैं फेशियल एक्सप्रेशन क्या है हमारे गेस्चर्स क्या हैं इस्पेली जब हम अपने हैंड्स को यूज़ करते हैं आर्म्स को यूज़ करते हैं ड्रेस पोस्चर पैरा लैंग्वेज जो भी साउंड हम बना मेक uh, करते हैं जो भी साउंड हम बनाते हैं पैरा लैंग्वेज होती है जैसे कि उफ बोलना किसी बात पे हम बोलना ये कुछ नॉन वर्बल इनवॉलेंट्री कम्युनिकेशन के एग्जांपल हैं जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं उसके बाद है नॉन वर्बल क्यूज़ दिए गए हैं किन किन क्यूज़ का आप यूज़ कर सकते हो फेसियल एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हो बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो आई कांटेक्ट का आप यूज़ कर सकते हो ड्रेस और फिजिकल अपियरेंस का आप यूज़ कर सकते हो गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल दिए गए हैं मोस्ट पीपल एक्सप्रेस एंड कैन रिकोगनाइज छह बेसिक इमोशंस दिखाए गए हैं जो कोई भी नॉर्मल पर्सन है वो एक्सप्रेस भी करता है ये और इजीली इनको पहचाने भी जा सकते हैं ये एक्सप्रेशन जैसे सैडनेस का हैप्पीनेस का है डिसगस्ट एंगर सरप्राइज और फियर मोस्टली लोगों के एक्सप्रेशन ये सेम ही होते हैं उसके बाद दी गई है वर्कशीट नॉन वर्बल क्यूज एट वर्क प्लेस आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द यू गिवन एक सिचुएशन दी गई है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं जैसे फर्स्ट सिचुएशन इज दमनजीत वॉज कम्प्लेनिंग अबाउट द वर्क ही हैड टू डू ऑन द जॉब दमनजीत अपने काम के बारे में कम्प्लेन कम्प्लेंट कर रही है जो काम उसको जॉब पर करना है ही सुपरवाइजर मिस्टर रितेश लुक डेट हीम क्रॉस रिज आम एंड फ्रोंट उसका जो सुपरवाइजर है रितेश उसकी तरफ देखता है अपने आम को क्रॉस कर लेता है और फ्रोंट वे में उसे लुक देता है तो इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं जैसे वट इज़ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर तो ये जो सिचुएशन दी गई है इसमें इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है वट आर द नॉन वर्बल क्यूज़ यहाँ पे नॉन वर्बल क्यूज़ कौन से दिखाए गए हैं नॉन वर्बल क्यूज़ क्या होते हैं जो अभी अभी हमने लास्ट पेज पे किए हैं उसके बाद हाउ शुड दमनजीत कुरेक्ट द बिहेवियर दमनजीत उस बिहेवियर को कैसे कुरेक्ट कर सकती है नेक्स्ट इज सिचुएशन टू जूली इज़ वेरी फ्रेंडली विद कोयल ऑन द जॉब सी ऑलवेज जॉक्स विद कोयल एंड हैज़ कोयल टू डू हर वर्क सी डज रियली टू एनी वन हैदर वर्कर्स वेन सी डॉक टू अदर वर्कर्स लाइक सूरज दे ओवन टर्न अवे एंड इग्नोर हर जैसे जूली क्या है एक फ्रेंडली लड़की है जॉब जो जो पे कोयल के साथ बहुत फ्रेंडली रहती है वो हमेशा कोयल के साथ जॉक करती है काम में उसकी हेल्प करती है और किसी के साथ वो ऐसा बिहेव नहीं करती है अगर वो किसी वर्कर की हेल्प करने की कोशिश भी करती है बात करने की कोशिश करती है जैसे कि सूरज है वे हमेशा टर्न अवे कर जाते हैं वहाँ से चले जाते हैं या फिर उसको इग्नोर करते हैं तो यहाँ पे इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है क्यूज क्या है और वो उस बिहेवियर को कैसे करेक्ट कर सकती है इन क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं नेक्स्ट सिचुएशन दी गई है जूली इज़ अ ग्रेट वर्कर एट कॉफी डे जूली है कॉफी डे के में बहुत अच्छी वर्कर है ही इज़ यंग एंड हैज़ एन अनहैप्पी फैमिली लाइफ बट ही डज़ ए गुड जॉब फॉर यू वो यंग है और उसकी जो फैमिली लाइफ है बहुत अनहैप्पी है लेकिन वो काम बहुत अच्छा करती है ही ऑलवेज ही ऑलवेज़ हैज़ ए फ्रोन ऑन हिज फेस दो हमेशा उसके फेस पे फ्रोन रहता है फ्रोनिंग फेस रहता है वेन कस्टमर हिम फोन एन एक्स्ट्रा नेपकिन और कॉफ़ी ही ऑलवेज गेट इट फॉर देम बट ही कॉल्स एंड शक वाइल ही इज डूइंग इट जब भी कस्टमर्स उससे एक्स्ट्रा नेपकिन या कॉफ़ी मांगता है वो हमेशा उनके लिए बुला के देती है लेकिन जब वो ऐसा करती है हमेशा श्रक करते करी रहती है उसके कंधे झुके रहते हैं सो द कस्टमर्स आर लेफ्ट फीलिंग लाइक दे हैव एन हैव बिन एन इनकनवीनियंस टू हिम तो कस्टमर क्या करते हैं वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा फील नहीं होता इनकन्वीनियंस फील होता है ही ऑल्सो वर्कस अराउंड लुकिंग एट द फ्लोर विद ही शोल्डर स्लव डाउन वो हमेशा जब चलती है तो फ्लोर की तरफ देखती हुई चलती है हमेशा उसके शोल्डर हैं कंधे हैं वो झुके रहते हैं यू वुड थिंक ही ही डेंट लाइक हिमसेल्फ वेरी वेल क्या आप ये सोचते हो कि वो अपने आप को भी इतने अच्छे से पसंद नहीं करता है तो यहाँ पर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है वो आपको बताना है क्यूज़ क्या क्या हैं वो आपको बताना है हाउ कुड ही करेक्ट द बिहेवियर वो अपने बिहेवियर को कैसे करेक्ट कर सकता है ये आपको बताना है नेक्स्ट सिचुएशन दी गई है सोहिनी वर्क सेट है साइबर कैफे सोहिनी है वो साइबर कैफे में काम करती है वो सी नोक्स इनटू थिंग्स एंड यूजेस क्विक जर्की मोशंस वो चीज़ों को जल्दी से नोक डाउन करती है क्विक और जर्की मोशंस होते हैं उसके सी ऑफ एंड टचेज पीपल वाइल सी टॉक टू देम एंड पुट्स हर हैंड ऑन देयर शोल्डर जब भी वो लोगों से बात करती है उनको टच करती है और मोस्टली क्या करती है उनके शोल्डर पर अपने हाथ रख लेती है तो यहाँ पे इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है जो अच्छा बिहेवियर नहीं है क्यूज़ क्या क्या हैं और वो उस बिहेवियर को कैसे करेक्ट कर सकते है, वो आपको बताने हैं ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने किया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या यूजेस हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की आप अपने बिहेवियर को कैसे करेक्ट कर सकते हो कैसे आप बिना शब्दों के आप मैसेज किसी को दे सकते हो कम्युनिकेशन आप कर सकते हो बॉडी लैंग्वेज बॉडी पोस्चर्स के थ्रू आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा फिर भी अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग आपके कोई भी डाउट है तो लेट मी नो देम आई विल करेक्ट देम ओके स्टूडेंट हैव ए नाइस डे टेक केयर